हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो हम लोग ज्योग्राफी नेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे उसकी सीरीज में ये चौथा पार्ट है। पहले दूसरे और तीसरे पार्ट में अब तक आप लोगों ने लगभग 35 प्रश्नों को देख लिया था। अब इसके बाद हम लोग इस वीडियो में 36 से लेके 50 प्रश्न देखेंगे और ये 36 से लेके 50 प्रश्न को हम लोग डिटेल में, जैसे अब तक के 35 प्रश्नों को सॉल्व किया उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये आपका जो है दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो पेपर सॉल्व हो रहा था वही पेपर यहाँ पे है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न हैं। ठीक, ये शिफ्ट वन का पेपर है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। इसके बाद हम लोग सेकेंड शिफ्ट करेंगे। तो इसमें देखिए अब तक 3 पार्ट हो चुका था, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं या जाके बैक में आप वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों पार्टों की लिंक अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। ठीक, और साथ ही यूजीसी का जो 2022 का फॉर्म है वो उम्मीद है कि अप्रैल महीने में आ जाएगा। तो अभी ये इन्होंने क्या किया है कि दिसंबर 2021 और जून 2022 इन दोनों को मर्ज करके पॉसिबल है कि इस बार दें। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो 2022 का हम लोग बैच भी यहाँ पे चला रहे हैं जिसमें लगभग 2 से 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जो फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों चल रहा है। पीजीटी टीजीटी का भी बैच चल रहा है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि पॉसिबल है कि जल्द ही भर्ती आने की संभावना है। हालांकि न्यूज़पेपर वाले तो बोल रहे हैं कि अगले मंथ ही। तो यदि आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको वहाँ कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आप लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है तो उसे आप जुड़ना चाहते हैं तो भी व्हाट्सअप करेंगे तो टेलीग्राम में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, या इसी नंबर पे आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो भी आपको वहाँ ऐड कर दिया जाएगा, तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। यहाँ देखिए 37 की जगह 36 कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा टाइप करने में भी थोड़ा समय लग जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर ये प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 37 नंबर लिखा है लेकिन ये है 36 नंबर का प्रश्न। तो इसके बारे में दिया गया है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र के समूह में लिंगानुपात यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी कि ये सीरियल दिखा रहा है कि आंकड़ों के क्रम में कौन सा इसमें आपका सही है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखिए तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, तो सबका अलग अलग यदि आपको याद है तो कर सकते हैं, या एक तरीका भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि कहाँ पे। सबसे पहले आप ये जानिए कि सिक्किम में कितना है, सिक्किम में जो आपका लिंगानुपात है वो लगभग 889 है, और याद रखिएगा किससे है, 2011 के अकॉर्डिंग। तो सिक्किम में लगभग 889 है, गुजरात में आपका 918 है। ठीक, हरियाणा में कितना है, हरियाणा में लगभग 877 के आसपास है। ठीक, 77-87, तो ये ऑलमोस्ट है, आप एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा हरियाणा का। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए अन्य राज्य जो है उसका भी आप लिख लीजिए। मणिपुर का जो आपका है, मणिपुर का 987 है। ठीक, हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश का जो है ये 974 है। देखिए इसमें से देखने पे आपको क्या होगा कि हो सकता है कि इस सीरियल में ना दे के 2-3 दे दें। ठीक, तो वहाँ पे भी आपके लिए ये समस्या हो सकती है, तो इसलिए एक बार देखे रहेंगे तो दिमाग में थोड़ा बहुत तो रहता ही। उड़ीसा की हम लोग बात करें तो उड़ीसा में जो लिंगानुपात है ये 978 है, तमिलनाडु का 995 है। ठीक, तमिलनाडु का 995 है, झारखंड का 947 है। ठीक, तो ये देखिए कई का जो है ये जो भारत का लिंगानुपात है उससे भी ज़्यादा, 943 है जो औसतन है, तो उससे भी ज़्यादा है कई के, जैसे पश्चिम बंगाल का भी कितना है, झारखंड के बराबर है 947। ठीक, यूपी का आपका आई थिंक 912 है। ठीक, तो इस तरह से है ये। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र समूह में निम्न लिंगानुपात दर्ज किया गया है, यानी कम वाला कौन सा है। तो अभी आपने देखा कि मणिपुर में 987 के लगभग है,
गोवा में 968 के लगभग है, यूपी में 912 के लगभग है। ठीक, एक बार इस आंकड़ों को आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो मुझे याद है मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। तो सबसे कम जो आपको यहाँ पे मिलेगा सिक्किम में मिलेगा, हरियाणा में है। ठीक, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये निम्न वाले हैं। तो इसमें ये ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग भी डी ऑप्शन आप लोगों का दिया गया है। उसके बाद देखिए 37 नंबर का जो प्रश्न है, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, 37 में देखिए आपसे पूछा है सूची एक और दो को आपको मिलान करना है। गुंडार, मिर्डाल, एओ हर्समैन, फ्रेडमैन, बोडविले। ठीक, और इसके बाद इनका मॉडल दिया गया है, कौन सा इनका मॉडल है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैच कराइए। तो गुन्नार मिर्डाल का कौन सा है, तो संचयीकरण जो कार्य कारण संबंध है, परिपथी या संचयीकरण, ये आपका गुन्नार मिर्डाल का है, यानी ए का आपका 2 हो जाएगा। और हर्षमैन का क्या है, हर्षमैन का संतुलित विकास मॉडल है, रणनीति है। आगे आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में ये हर्षमैन का मॉडल पढ़ना है, असंतुलित विकास का मॉडल, जो प्रादेशिक विकास है यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जॉन फ्रिडमैन का, फ्रिडमैन का आपका कोर फेरी फेरी मॉडल, ये किसका है, कोर पेरी फेरी, ये जॉन फ्रिडमैन का है। सभी मॉडल का डिटेल भी आपको वहाँ पर कराए जाएंगे। बोडविले का विकास केंद्र और विकास ध्रुवीय मॉडल है। ठीक, पेराक्स और बोडविले दो हैं, तो याद रखिएगा। यदि दे कि पेराक्स के संदर्भ में या उससे पहले किसने बात की थी, तो बोडविले महोदय ने बात की थी। और यहाँ पे दे देख विकास ध्रुव, विकास ध्रुव या वृद्धि ध्रुव, ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर, तब वो आपका पेराक्स का होगा। जबकि यहाँ पे विकास केंद्र और विकास ध्रुव की बात कर रहा है, तो ये बोडविले का है। ठीक, इतना आप समझिएगा। तो यहाँ पे विकल्प देखिए आपके लिए कौन सा सही है, ए का 2 है, यानी दूसरा नंबर का जो विकल्प है ये सही है, बी। उसके बाद देखिए 38 नंबर का, इसमें दिया है कि जनसंख्या प्रवसन यानी जनसंख्या प्रवास के बारे में कौन सा संदर्भ सही है या कौन सा विकल्प आपका सही दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है कि जनसंख्या प्रवसन में खिंचाव कारक गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की उपलब्धता के बारे में बताते हैं, तो ये आपका सही है। यहाँ पे देखिए 38 नंबर है ये, तो जनसंख्या प्रवसन यानी कि जब आप मान लीजिए कि आप खुद अपना सोचिए कि आप कहीं क्यों जाएंगे, आप किसी स्थान पे प्रवास, मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, इस स्थान पे आप क्यों जाएंगे, कारण क्या है। पहला देखिए दे दिया है कि जनसंख्या प्रवसन में खिंचाव कारक गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की उपलब्धता के बारे में बताते हैं, यानी कि यदि मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं नहीं हैं, या मान लीजिए पैसे कमाने के प्रॉपर अवसर यहाँ पे नहीं उपलब्ध है, और यहीं पे आपका फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, तो आप यहाँ से यहीं आएंगे। यानी जैसे बिहार, यूपी आदि राज्यों के लोगों का दिल्ली, मुंबई, पंजाब आदि राज्यों में प्रवास करना, तो ये क्या करते हैं कि जीविका के अवसरों की तलाश में उपलब्धता के बारे में जो प्रवास है ये प्रदर्शित करता है या बताता है। क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, चरणबद्ध प्रवसन गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की चरणवार उपलब्धता के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये चरणबद्ध स्टेप वाइज जो यहाँ पे प्रवसन की बात कर रहा है, माइग्रेशन की बात कर रहा है। ठीक, इसकी हम लोग बात करें तो ये आपका जो दिया गया बी विकल्प, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे दिया है कि चरणबद्ध प्रवसन गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की चरणवार उपलब्धता, तो जीविका के जो अवसर इसके चरणवार उपलब्धता के बारे में बताते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। अगला देखिए, जनसंख्या प्रवसन में दबाव कारक मूल स्थान पर जीविका के अवसरों की कमी या सीमित उपलब्धता के बारे में बताते हैं, यानी कि जनसंख्या प्रवसन में दबाव का कारक जो है ये क्या बताता है, यानी आपका जो मूल स्थान है यहाँ पे जीविका के
के अवसरों की कमी है, यानी कि आप यहाँ पे पर्याप्त रूप से धन अर्जित नहीं कर पाते हैं, धन कमा नहीं पाते हैं, इसीलिए आप इस स्थान पे आते हैं। यदि प्रॉपर तरीके से आपके पास धन की उपलब्धता हो जाती है अपने घर पर ही, तो आप क्यों जो है बाहर यहाँ पे जाएंगे या प्रवास करेंगे। तो यानी कि सी विकल्प भी आपका यहाँ पे सही है, बी आपका रॉन्ग है। डी देखते हैं कि प्रवसन क्षेत्र मूल स्थान की ओर वापस प्रवसन के बारे में बताता है। तो प्रवसन क्षेत्र यानी मूल स्थान की ओर वापस थोड़ी आएंगे, प्रवसन का मतलब कि आप मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाना, ठीक। तो यहाँ पे आप प्रवास कर गए हैं, तो यानी कि डी भी आपका रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प सही होगा ए और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए 39 पे हम लोग बात करते हैं। इसमें दिया है कि प्रति चक्रवाती मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएँ विश्व के किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं, और दिया है विकल्प दक्षिण एशिया, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो प्रति चक्रवाती मौसम की जो पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं यानी लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, ये विश्व के किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं, दक्षिण एशिया, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक। अब डिटेल्ड में हम लोग जाएंगे, तो जब आप प्रति चक्रवात पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 40 नंबर का जो प्रश्न है, दिया है कि निम्न में से कौन सी जलराशि में न्यून लवणता पाई जाती है, यानी सबसे कम लवणता कहाँ पे पाई जाती है, किस जलराशि में। तो ग्रेट साल्ट लेक है, और मृत सागर है, वान लेक है, और आपका काराबुकास की खाड़ी है, ठीक। तो किस जलराशि में न्यून लवणता पाई जाती है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका किस जलराशि में सबसे कम या न्यून लवणता पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेट साल्ट लेक है, मृत सागर है, वान झील है, काराबुगास की खाड़ी है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा काराबुगास की खाड़ी। ये कैस्पियन सागर के आपका ये दक्षिण मध्य पूर्व में पाया जाता है, उसी के मध्य पूर्व में ही, कैस्पियन सागर के दक्षिण मध्य पूर्व में का जो भाग है उसी को क्या बोला जाता है, काराबुगास की खाड़ी बोला जाता है। तो वहाँ पे न्यून लवणता पाई जाती है विकल्प के अनुसार, ठीक। और सर्वाधिक लवणता आएगी तो आप वान लेक लगाते ही हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41। इसमें दिया है कि सैन एंड्रियास जो भ्रंश है ये किसका उदाहरण है, ट्रांसफार्म भ्रंश का है, या अभिसारी प्रसारित, या फिर सबडक्शन, किस प्रकार के भ्रंश का ये एग्जाम्पल है या उदाहरण है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्म भ्रंश का भ्रंश ही है, या इसे रूपांतरण भ्रंश भी कहा जाता है, अभिसारी और अपसारी या प्रसरित, ठीक। एक आपका होता है एक दूसरे की तरफ इस तरह से आते हुए, जो प्लेटें होती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और ट्रांसफार्म क्या होता है कि जब एक दूसरे के इस तरह से सापेक्ष जाएं। सबडक्शन तो आप जानते हैं कि जब एक प्लेट दूसरे के नीचे छेपित हो जाए तो वो सबडक्ट हो जाती है, सबडक्शन उसे उस क्रिया को पूरा जो है क्या बोलते हैं, सबडक्शन बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है कि सैन एंड्रियास भ्रंश जो है ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, तो ये आपका एक प्रकार का ट्रांसफार्म भ्रंश होता है, फॉल्ट होता है, या रूपांतरित भ्रंश भी इसे कहा जाता है, ट्रांसफार्म फॉल्ट भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट यानी ए नंबर का, ठीक। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का अनेक संसूचकों यानी जो सेंसर होते हैं उसको कंपोजिट करते समय पक्षपात का पैमाना कम करने के लिए जो रिसर्चर होते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी पद्धति लगाई जाएगी कि जिससे पक्षपात जो है वो कम हो, जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा, ठीक। तो पहला दिया है कि प्रतिशत पर कार्य करना और उन्हें एक साथ जोड़ना, यानी कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो कौन सी ऐसी मेथड लगाएंगे कि आप जो आपका रिसर्च है उसमें बायस्ड आप ना हो, ठीक, पक्षपाती आप ना हो। तो प्रतिशत पर कार्य करना और उन्हें एक साथ जोड़ना, सभी संसूचकों की वास्तविक मूल्य को जोड़ना, या फिर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव जो इंडिकेटर्स हैं उसको अलग करना, या फिर जो
इंडिकेटर्स हैं या संसूचक हैं उनके मूल्यों में उनके माध्य मूल्य से भाग देना, तो ये आपका ज़्यादा सही है। तो इससे क्या होगा कि जो पक्षपात का पैमाना इसी यानी पक्षपात आपका उसमें कम होगा, इस पद्धति को यदि लगाएंगे। किस पद्धति को? तो वो आपका ये जो इंडिकेटर्स हैं संसूचक हैं उनके मूल्य में उनके माध्य के मूल्य से क्या करें आप भाग दे दें, उसके बाद उसको ऐड करें। अगला देखिए 43 नंबर पे दिया है कि भूगोल को 17 खंडों में किसके द्वारा लिखा गया। ठीक, तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूगोल को 17 खंडों में टालमी है, रिटर है, स्ट्रैबो और अस्तु, तो ये आपके स्ट्रैबो महोदय ने स्ट्रैबो ने इसको लिखा है। ठीक, इन्हें आप कह सकते हैं प्रादेशिक भूगोल का इन्हें फादर भी कहा जा सकता है। ठीक, क्योंकि वो सिकंदरिया पुस्तकालय के भी अंतिम अध्यक्ष थे और उन्होंने मानव आवास योग्य क्षेत्रों को ओक्यूमेन शब्द कहा था। ठीक, इकुमैन ओकुमैन में कन्फ्यूज मत होइएगा। और सर्वप्रथम इन्होंने ही क्षेत्रवर्णी विज्ञान की बात कही थी या उसके विषय में बात कही थी। इन्होंने होमो और हेट्रो जनसंख्या के दो प्रकारों का वर्णन किया था, होमोहेट्रो यानी समांगता और विसमांगता शब्दों का भी उपयोग किया था। हिस्टोरिका मेमोरिका भी इन्होंने लिखा है जो लगभग 43 पार्ट इसके हैं। ठीक, और ज्योग्राफिया का या जो भूगोल है इसको 17 खंडों में ही इन्होंने ज्योग्राफी का है, ठीक, ज्योग्राफिया नहीं ज्योग्राफी का है, इसको 17 खंडों में इन्होंने लिखा। दो खंड में भूगोल का क्षेत्रीय वर्णन के बारे में बताया और अगले जो 8 खंड थे उसमें उन्होंने क्या बोला, यूरोप के भौगोलिक वर्णन की बात कही। और लास्ट वाले जो खंड थे तो उसमें उन्होंने एशिया का वर्णन किया और उनके मानचित्र को बनाया। भारत को भी स्ट्रैबो ने प्रदर्शित किया था। ठीक, अगला प्रश्न जो है इसमें दिया है कि कौन सी भौमिक आपदाओं से संबंधित है, भूमि से संबंधित, ये बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ग्राउंड से रिलेटेड कौन सी हैं, तो या भूभौतिकीय आपदा से जैसे भूकंप ज्वालामुखी आदि गतिविधियाँ हों तो इसको इसमें भी शामिल किया जाता है। ठीक, या सूखा है तो यहाँ पे दे रहा है कि भूकंपी आपदाओं को पहचानिए, शीतलहर है, सॉरी भौमिकी आपदाओं को, शीतलहर है, भूकंप है, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना है, सुनामी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है तो भूभौतिकी आपदा से संबंधित जो है भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सूखा हो गया। ठीक, तो भूकंप को ही दो टाइप में हम समझ सकते हैं, एक तो आपका ग्राउंड मूवमेंट जब होता है, दूसरा आपका क्या होता है सुनामी के अंतर्गत आता है। ज्वालामुखी के भी कई पार्ट हो जैसे आपका आप ज्वालामुखी के अंतर्गत पायरोक्लास्टिक जो प्रवाह होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और सूखे में आपका जो भूस्खलन को भी भौमिक आपदा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपका शीतलहर तो इसमें आ नहीं जाएगा। ठीक, उल्कापिंड धरातल से तो है नहीं, उल्कापिंड आसमान से आ रहे हैं, यानी कि ऐसी आपदाएं जो जिनका संबंध भूमि से हो यानी उनकी उत्पत्ति उसी से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे आपका अर्थ से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे उल्कापिंड का पृथ्वी टकराना तो ये इसकी उत्पत्ति ये आकाश से आ रही है। शीतलहर ये भी आपका धरातल की वजह, शीतलहर तो हुआ नहीं, तो यहाँ पर भूकंपी और सुनामी दो चीज़ें हैं। ठीक, यानी बी और डी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, फोर्थ नंबर का है। और अगला है कि यार्डंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपरदम से बनता है। ठीक, यार्डंग भूस्तंभ लोयस इन सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो पवन निर्मित स्थलाकृतियाँ आप यहाँ से देख सकते हैं, जो स्थलाकृतियाँ हैं वहाँ से भी प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए और हर बार यहाँ से आता ही है। तो यार्डंग किस प्रकार से के अपरदम से, आप देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है, एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि यार्डंग किसके द्वारा या किस प्रकार की क्रिया से बनता है, तो अपरदन से बनता है। और इसका जो देखिए नदी है, वातोड़ है या वायुड़ प्रक्रम है, या फिर काष्ठ स्थलाकृति से है या हिम नदी से, किससे है ये, वायुड़ प्रक्रम से या वातोड़ प्रक्रम से या शुष्क प्रक्रम से आप इसे कह सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है कि अब आप अलग अलग, ये हमने कराया भी है, नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ जो अपरदनात्मक है और निक्षेपात्मक उसको लिखिए, याद करिए, पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक और अपरदनात्मक, काष्ठ स्थलाकृतियाँ, हिम नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ यानी ग्लेशियल जो प्रोसेस है, इनको सब आप नोट डाउन करके इसको देख लीजिए, रट डालिए
क्योंकि यहाँ पे कई बार ये भी पूछ देता है, जैसे नदी कौन सी क्रियाएं करती हैं, या पवन कौन सी क्रियाएं करता है, विकल देगा सन्निघर्षण अपघर्षण, ठीक, पार्श्वीय घर्षण, इन सभी के बारे में पूछ देता है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगा। अगला देखिए कि प्लेट विवर्तन की का सिद्धांत निम्न में से किसके उद्भव या अवस्थिति की व्यवस्था करने में सहायता नहीं करता है, ठीक। जो प्लेट टेक्टानिक सिद्धांत है वो किसके उद्भव के बारे में यहाँ पे नहीं बताता है। पर्वत तंत्र है, प्रमुख समुद्र अधःस्थल है, भूकंप है, ठीक, भूकंप और समुद्र, प्रमुख समुद्र अधःस्थल है, यानी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर रहा है, समुद्री धारा हो गया, जलवायु क्षेत्र है, भूकंप और पर्वत है, भूकंप है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसके बारे में जो है प्लेट विवर्तन की से, अब यहाँ पे आपने यदि प्लेट विवर्तन की पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया भी है कि प्लेट विवर्तन की के जो साक्ष्य क्या बताता है कि, या प्लेट विवर्तन की का पर्वत की उत्पत्ति से क्या संबंध है, तो इन सभी बार बातों को वहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेटों का संबंध, जैसे पर्वत तंत्र की बात आ गई, पर्वत की उत्पत्ति की आ गई, तो ये है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर रहा है, यानी कि समुद्र में अधःस्थल प्रसार की बात कर रहा है, तो ये है, तो यानी ये भी सही है। भूकंप और, तो यानी जब प्लेट है एक दूसरे टकराएंगे तो भूकंप भी आएगा, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो लावा यहाँ पे निष्कर्षित लावा निकलेगा, लावा निकल के क्या बनाए, कटक बनाए, कटक बनाएगा तो क्या होगा, समुद्र का जो अधःस्थल है उसमें क्या हुआ, प्रसार हुआ, ठीक, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए भूकंप और पर्वत तंत्र हैं तो ये भी सही है, भूकंप भी आपका अर्थ से प्लेटों के संचलन के द्वारा ही भूकंप उत्पन्न होता है, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद देखिए समुद्री धारा और जलवायु क्षेत्र, तो प्लेट के इधर उधर होने से जलवायु के अंतर्गत कुछ चेंजेज होने वाले नहीं हैं। देखिए डायरेक्ट तो कोई चेंज नहीं, इनडायरेक्ट आप समझ सकते हैं, समुद्री धारा में भी डायरेक्ट कोई चेंज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए कि इस तरह से परिवर्तन हो, कोई एक दूसरे के नीचे सबडक्ट हो जाए, तो जब महासागरी महासागरी प्लेटों के बीच संचलन की बात होती है तब यहाँ पे महासागरी धाराओं के बारे में थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उद्भव और अवस्थिति की व्यवस्था करने में कौन सा, यानी प्लेट विवर्तन की किसकी सहायता नहीं करता है, तो आपका ये जो है समुद्री धारा और जलवायु क्षेत्र है, ठीक, यानी कि विकल्प नंबर केवल नंबर केवल केवल आपका सी जो है ये यहाँ पे इससे संबंधित नहीं होगा। जबकि प्लेट विवर्तन की पर्वत निर्माण की भी बात करता है, समुद्री अधःस्थल के विस्तार की भी बात करता है, भूकंप ज्वालामुखी की भी बात करता है, ठीक। अगला ये 47, निम्न में से किस जलवायु वैज्ञानिक ने अपने जलवायु संबंधी वर्गीकरण में हेकिस्टोथर्मल अवधारणा का वकालत किया। मिलर है, कोपेन है, केंडोल है और टेवार्था है, ठीक। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं विकल्प आपका जो दिया गया नीचे, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ठीक। तो इसमें जो है किसने जलवायु वर्गीकरण के संबंध में हेकिस्टोथर्मल की बात की थी, तो केंडोल महोदय ने पांच पार्ट बताए थे, वनस्पतियों के आधार पर पांच प्रदेशों को इन्होंने लगभग 1874 के आसपास इन्होंने बांटा था, जिसमें इन्होंने बताया था मेगा थर्मल, और इन्होंने बताया था जीरोफाइट वनस्पतियाँ, मीजोथर्पल, ठीक, माइक्रो थर्मल, चौथे नंबर पे माइक्रो थर्मल, और पांचवें पे इन्होंने बताया था हेकिस्टोथर्मल, यानी कि जो कम ताप वाले क्षेत्रों में उग जाती हैं, ठीक, जैसे आप टुंड्रा टाइगा के अंतर्गत समझ सकते हैं इसको। तो हेकिस्टोथर्मल सबसे पहला उन्होंने क्या बताया, किसने, कैंडोल ने, मेगा थर्मल, जीरोफाइट, मीजोथर्मल, माइक्रो थर्मल और हेकिस्टोथर्मल, और इसी को ही कोपेन ने क्या किया, आधार बना लिया। किसके लिए आधार बनाया, वनस्पतियों के वर्गीकरण के लिए कोपेन ने इसी को आधार बना लिया, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा क्विंडोल और कोपेन, इन दोनों ने किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी और सी, यहाँ देखिए दो बार बी हो गया है, बी और सी, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी, यानी कि सेकंड नंबर का। उसके बाद देखिए 48 नंबर का जो प्रश्न है, कौन मानवतावादी भूगोल के समर्थक हैं, हैरिस हैं, ब्लांस हैं, गुइलके हैं, रेडजेल हैं, ले और सैमुअल्स हैं, तो मानवतावादी भूगोल के समर्थक कौन है इसमें दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हैरिस और उलमैन हैं, तो ये भी मानवतावादी भूगोल के समर्थक थे।
ब्लांस तो है ही हैं संभववादी, और गुइलके हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मानवतावादी भूगोल के समर्थक हैं हैरिस हैं, ब्लांस हैं, गुइलके, रेडजेल, लेयर, सैमुअल्स। तो पी सी डी है, ए बी है। यहाँ पे जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है तो हैरिस हो जाएंगे, ये संभववादी हैं, संभववादी हैं, ठीक। मानववादी भूगोल के अंतर्गत तो आ जाएंगे क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे, लेकिन डायरेक्ट पूछ रहा है जैसे टू वन के बारे में पूछता है, ठीक। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उन्होंने दिया था, तो यहाँ पे हैरिस हैं, ब्लांस नहीं होंगे, गुइलके हैं, ठीक, रेडजेल भी नहीं होंगे और सैमुअल्स हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका हो जाएगा राइट आंसर ए सी और ई हो जाएगा, ठीक। गुइलके ये आपके ब्लांस जो है ये संभववादी हैं, याद रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका ए सी और ई हो जाएगा, थर्ड नंबर मानवतावादी भूगोल के समर्थक। अगला है और ये लास्ट है, 49 नंबर। देखिए निम्नलिखित को भूमध्य रेखा से उनके स्थानिक क्रम में व्यवस्थित करें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, अश्वचाल, डोलड्रम और पछुआ पवन, ठीक। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उनके स्थानिक क्रम की बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, तो सबसे पहले ये बना लेते हैं, और ये आपका भूमध्य रेखा हो गई, और सबसे नज़दीक में क्या इसमें होता है, भूमध्य रेखा से उनके स्थानिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका है सबसे नज़दीक आपका क्या होता है, डोलड्रम होता है 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के आसपास, ठीक, 5 डिग्री। तो सबसे नंबर एक पे आपका क्या हो जाएगा, डोलड्रम हो जाएगा। डोलड्रम के बाद क्या होता है, ट्रेड विंड चलती हैं जो व्यापारिक पवने हैं, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा उत्तर, ये आपकी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आपका आ जाता है अश्वच्छांश 30 से 35 डिग्री, ठीक। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आपका वेस्टर्लीज आता है, यानी पछुआ पवने जो इस तरह से चलती हैं। तो वेस्टर्लीज लास्ट में आता है, 60 डिग्री के आसपास ही चलती हैं 30 से लेके, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। सी, ए, बी और डी, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका राइट हो गया। और लास्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विद्वान ने परमाफ्रास्ट शब्द की रचना की, तो रीटर है, हम्बोल्ट है, अगासीज, रैमजे हैं। तो ये हम्बोल्ट हमने पढ़ाया भी आप लोगों को, तो परमाफ्रास्ट हम्बोल्ट का है, ठीक। तो 50 टोटल यहाँ पे क्लियर हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे, लगभग 15 से 20 प्रश्नों का वहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है ये पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हम लोग चले हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पे आप जब ओपन करते हैं YouTube, तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो स्पीड आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल से 125 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, दोगुना कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।